आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्री राम भक्त तुलसीदास जी वे भगवान जगन्नाथ जी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री राम वे जगन्नाथ जी की कृपा से भक्त की मन इच्छा पूरी होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक बार तुलसीदास जी भगवान राम की भक्ति में लीन थे कि तभी पास से गुजरते हुए एक साधु महात्मा ने कहा, तुलसीदास जी धन्य हो आप और धन्य है आपकी भक्ति, लेकिन आप भक्ति के साथ प्रभु के साक्षात दर्शन कीजिए। तुलसीदास जी ने पूछा, वो कैसे? संत ने कहा, मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। जगन्नाथ जी में साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। संत के मुख से ये सुनकर तुलसीदास जी तो बड़े प्रसन्न हुए और चल पड़े अपने इष्ट के दर्शन करने जगन्नाथपुरी की ओर। उस समय यातायात के साधन तो होते नहीं थे। कई महीनों की यात्रा कर तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी पहुँचे। मंदिर पहुँचे, भक्तों का तांता देखा, परंतु फिर भी प्रसन्न थे कि आज अपने प्रभु राम के साक्षात दर्शन करूँगा। भक्तों के साथ चलते चलते सिंह द्वार से होते होते निज मंदिर में पहुँचे, परंतु जैसे ही जगन्नाथ जी की ओर दृष्टि की तो देखते ही उदास और निराश हो गए और विचार करने लगे कि ये हस्तपदविहीन, यानी कि जिनके हाथ पैर ही ना थे, ऐसे मेरे इष्ट राम नहीं हो सकते। बहुत निराश हुए, दुखी हो मंदिर से बाहर आए और दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सोचने लगे, मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया। मन में बार बार ये विचार उठ रहा था कि क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपदविहीन दारुदेव मेरे राम हो सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसे सोचते सोचते रात हो गई। तुलसीदास जी भूखे प्यासे थे, साथ में थकावट का भी अनुभव हो रहा था कि तभी एक आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें तुलसी बाबा कहकर पुकार रहा था। आवाज़ सुन तुलसीदास जी ने पूछा, कौन है भाई? तभी उन्हें एक बालक हाथ में भोजन की थाली थामे हुए अपनी ओर आता दिखाई दिया। तुलसीदास जी ने सोचा, शायद साथ में आए हुए संत जी ने मंदिर के पुजारियों को उनके बारे में बता दिया होगा और उन्होंने भोजन भेजा होगा। बालक की आवाज़ सुनकर तुलसीदास जी बोले, हाँ भाई, मैं ही हूँ तुलसीदास, आ जाओ। नज़दीक आते हुए बालक ने कहा, अरे बाबा, आप यहाँ हो, मैं कितनी देर से आपको खोज रहा था। बालक ने फिर कहा, लीजिए बाबा, प्रसाद ग्रहण कीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए भेजा है। यह सुनकर तुलसीदास जी बोले, भैया, कृपा कर आप इसे वापस ले जाओ। बालक ने कहा, कितनी हैरानी की बात है, जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ, और वह भी स्वयं जगन्नाथ जी ने आपके लिए भेजा है और आप इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। बालक ने पूछा, इसका क्या कारण है? तब तुलसीदास जी बोले, अरे भाई, मैं अपने इष्ट को भोग लगाए बिना
कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह प्रसाद तो जगन्नाथ का झूठा प्रसाद है, जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित ना कर सकूं, वह मेरे किस काम का। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। यह सुन तुलसीदास जी बोले, यह हस्त पदविहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकती। तुलसीदास जी की यह बात सुनकर बालक बोला, तो बाबा आपने अपनी श्री रामचरितमानस में यह किस रूप का वर्णन किया है, जिसमें आपने स्वयं लिखा है, बिनु पद चले सुनेह बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। यह सुनते ही तुलसीदास जी की भाव भंगिमा देखने लायक थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। प्रसाद का थाल तुलसीदास जी के सामने रखते हुए वह बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान जी का पहरा है, वह भिक्षण नित्य मेरे दर्शनों को आता है। कल प्रातःकाल तुम भी आकर मेरा दर्शन करना। तुलसीदास जी की आंखों से निरंतर अश्रुओं की धारा बह रही थी और फिर प्रभु प्रेम में डूबे हुए उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया। तन मन की शुद्ध भूल वहीं वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगी। सुबह हुई, जल्दी जल्दी मंदिर पहुँचे और मंदिर में जब दर्शन करने लगे तो उन्हें जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी जी के दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी कर उन्हें संतुष्ट किया और कहा, मेरा प्यारा मुझे जिस रूप में देखना चाहता है, मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूँ। कहते हैं, जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चोरा के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छत्ता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री राम वे जगन्नाथ जी की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।